अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद अंजुम और अब आप मुलाहजा करेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड दूसरी वीडियो। अब हम एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। जैसे कि इस वक्त आपके सामने सवाल है, हमें सवाल में इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है x टू दी पावर 5 को, x की पावर 5, ये हमारे पास सवाल है और इसमें हम देख सकते हैं कि 5 पावर है जो फॉर्मूले के मुताबिक n से शो की जाएगी और जो x है वो बेस है जिसे हमने मेन पार्ट का नाम दिया था और अब हमें मेन पार्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रल के साथ लिखना होगा तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं मगर महज समझाने के लिए हम इसको लिख देते हैं क्योंकि मेन पार्ट x था। यही वजह है कि जो x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए हमने 1 को शो कर दिया और यहाँ जो 1 है वो दरअसल डेरिवेटिव ऑफ मेन पार्ट है जिसे आप f प्राइम x से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन इंटीग्रेशन फॉर्मूला है अब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो बेस है उसकी पावर में 1 ऐड कर सकते हैं और उसी से पूरी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि जो मेन पार्ट है हमने उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल को प्रोवाइड कर दिया है। यूं हमने x की पावर में 1 प्लस किया तो वो 5+1 के तौर पे हमने लिखा और 5+1 से हमने डिवाइड कर दिया, यू हमारे पास जवाब आ गया x विद पावर 6 ओवर 6 प्लस c। अगर आपको भी वीडियोस पसंद आए तो लाजमी तौर पर विजन टीवी को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसको आगे शेयर करें ताकि वो तमाम स्टूडेंट जिनको इंटीग्रेशन को समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स उनको ना हो।